बेटा तो हम एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.8 का मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दे दिया था और मैंने आपको बता दिया था कि इसमें जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला नंबर 10 जो है पेज नंबर 89 फॉर्मूला नंबर 10 पेज 89 ये आपको याद करना है। जैसे मैंने इससे पहले भी जो एक्सरसाइज हमने की है उसमें हर एक्सरसाइज में फॉर्मूला जो एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन होती है एक्सरसाइज में। तो यहाँ फॉर्मूला हम लिख लेते हैं एक मरतबा ताकि जब हम सवाल में अप्लाई करें तो उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूला जो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, दिस इज फॉर्मूला। अच्छा, अब जब भी आप कोई सवाल करेंगे आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो स्क्वायर ऑफ थ्री टर्म्स ये जो है एडिशन का फॉर्मूला है, तो ये इसमें जो है आप उस फॉर्मूले में असल में सिर्फ आपको क्या चीज देखनी जो तीन टर्म्स है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 90 एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो बिल्कुल वही सिचुएशन है जो हमने पहले मैंने अभी जो आपको एग्जांपल में जो इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था बिल्कुल वही सिचुएशन आपको यहाँ पर भी नजर आ रही कि ये जो है इसका a प्लस b प्लस c है, इसी तरह हमारे पास x प्लस 3y प्लस 2z है। अब यहाँ पर हमारे पास a जो है वो क्या है x है, b जो है हमारे पास 3y है और c जो है हमारे पास 2z है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमने लिख लिया। अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अब ये आपको मैंने पहले भी इसके बता दिया था कि जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं उस फॉर्मूले में हम जो है वो फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले लिखते हैं वी नो दैट। यहाँ पर हमने लिखा वी नो दैट, यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हम क्या इस नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, अप्लाई फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर हम किस तरह अप्लाई कर देंगे, x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर है b है 3y यानी कि 9y स्क्वायर, c हमारे पास है 2z तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर। अब 2ab यानी कि 2 a क्या हमारे पास x है और b क्या है हमारे पास 3y यानी कि 2 3 का 6 xy प्लस 2bc 2 और b क्या है हमारे पास 3y 2 3 का 6 और z है c क्या है 2z 6 2 का 12 12y z 2bc प्लस 2ca अब 2 का 4 x z आंसर, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर इसको आप समझ सकते हैं।